सुकमा जिला में नक्सलियों ने फिर एक बार आईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से नक्सलियों ने साजिश रची थी। इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सुकमा जिला के सालातोंग के पास प्रेशर आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवानों को प्राथमिक इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर भेजा गया है। मामला किष्टाराम थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार किष्टाराम थाना क्षेत्र अंतर्गत डब्बा मरका कैंप से जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ 217वीं वाहिनी और कोबरा 208 वाहिनी की संयुक्त पार्टी सालातोंग में रोड निर्माण के दौरान सुरक्षा ड्यूटी के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान आज सुबह करीब 10:15 पर सालातोंग के पास प्रेशर आईडी की चपेट में 2 जवान आ गए। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत स्थानीय अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। उसके बाद में सर्च ऑपरेशन शुरू गई। बताया जा रहा है दोनों की स्थिति को देखते हुए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने महीने भर पहले भी जमकर उत्पात मचाया था। बीजापुर में छत्तीसगढ़ तेलंगाना हाईवे पर बरदेला गांव के पास लकड़ियों का ढेर रखकर आग लगा दी थी। उसके बाद आईडी ब्लास्ट किया था और फायरिंग शुरू की थी, जिस चलते रास्ता जाम हो गया था। सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और जवाबी कार्रवाई की थी। लगातार नक्सली अब इस प्रकार से कायराना हरकत करने में उतारू आ चुके हैं।